तीन दिवसीय कांडा महोत्सव पुरस्कार वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गया है। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री बलवंत सिंह भौरियाल ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति के संरक्षण की दिशा में कांडा महोत्सव मील का पत्थर साबित होगा। कांडा महोत्सव आयोजन समिति ने भी आयोजन की सफलता को लेकर सभी का आभार जताया। आयोजन समिति के अध्यक्ष हीरा सिंह करमियाल, वीरेंद्र सिंह नगरकोटी, जिला पंचायत सदस्य गोपाल धपोला तथा पूजा आर्या ने भी आयोजन की सफलता के लिए सभी का आभार जताया। आयोजन समिति ने कहा कि अगले वर्ष कांडा महोत्सव को और अधिक भव्य और आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाएगा। यहां बता दें कि बीते कुछ सालों से कांडा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साल दर साल भव्यता आती जा रही है। हमारे कांडा महोत्सव का समापन समारोह समापन का दिन है। इसमें बहन पूजा आर्या जी और हम लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का स्कूल के बच्चों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है। उसमें रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हमारे बच्चों के द्वारा किया गया। एक सुअवसर हमारे बच्चों को यहाँ की कमेटी के द्वारा दिया जा रहा है कि हमारे प्रतिभा को निखारने का एक प्रयास किया जा रहा है, तो ये सराहनीय है। और मैं चाहूँगी कि क्षेत्र की जनता और हमारे जो भी विद्यालय है अपने बच्चों का प्रतिवर्ष प्रतिभाग भी कराएंगे और बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक क्षेत्र में इसका प्रतिभाग भी कराया जाए। जिस प्रकार से विगत वर्षों से लगातार और लगातार कांडा महोत्सव को दिव्य पर्व बनाने के लिए कांडा क्षेत्र की संपूर्ण जनता और प्रदेश की सरकार और बागेश्वर जिले के प्रशासन तमाम सब लोग उनके सहयोग से कांडा महोत्सव दिन दोगुनी रात चौगुनी एक उज्ज्वल भविष्य की अग्रसर हो रहा है। मैं समस्त अपने इस महोत्सव में अतिथि के बतौर आए हुए तमाम बागेश्वर जनपद से लेकर के अन्य बाहरी जनपदों के सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और सत्कार करते हुए कांडा क्षेत्र की प्रगति और विकास के लिए हमेशा आपका सहयोग के कृतार्थ रहेंगे। और 8 तारीख को महोत्सव 2023 का शुभारंभ जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर श्री हीरा सिंह करमियाल जी की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। और 3 दिन यह महोत्सव जो स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किए और इसके साथ जो हमारी माताएं हैं उन्होंने परंपरागत वेशभूषा में कलश यात्रा की और यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने सांस्कृतिक दल के माध्यम से सुंदर प्रस्तुतियाँ यहाँ पर हमारी जनता को आकर्षित किया। और यह महोत्सव हम सब के लिए आपसी तालमेल और जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को सभ्यता को
जीवित रखने का, और जो हमारे विद्यालयों के भैया बहने हैं उनको एक सुंदर प्लेटफार्म के माध्यम से अपने हुनर को निखारने का यह महोत्सव है। और इस महोत्सव का शुभारम्भ पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और आगे को भी इस महोत्सव को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करके, और जो उन्होंने पिछली बार घोषणा की थी वो घोषणा भी पूर्ण हुई है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस क्षेत्र के उज्जवल भविष्य के लिए, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान हम सब को अच्छी प्रेरणा दे। इसी शुभकामना के साथ उन्हें सबका बहुत तीन दिवसीय काडा महोत्सव समापन समारोह के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में आज उत्तराखंड सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय बलवंत सिंह भोरियाल जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर हम सबके बीच में यहां पर पहुंचे हैं, और विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगड़िया जी और हरी सेठानी जी, गोपाल धबोला जी, पूजा आर्या जी, आप तमाम लोग हमारे बीच में आकर बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर रहा। और इस समापन समारोह में आनंद वैली पब्लिक स्कूल सुमेश्वर से यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे बच्चों ने दिया, और उसमें हमारे कांडा क्षेत्र के भी सभी विद्यालयों ने अपनी प्रतिभा उसमें दी। कंटीवेट पब्लिक स्कूल कांडा, एफडीआर पब्लिक स्कूल कांडा, सरस्वती शिशु मंदिर कांडा, विवेकानंद विद्या मंदिर कांडा, गायत्री विद्या मंदिर घिंगारतोला, राजकीय इंटर कॉलेज कांडा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कांडा, और इस कांडा कमस्यार क्षेत्र के सभी विद्यालयों ने प्रतिभा कर बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम इसमें किए। आज हजारों हजारों की संख्या में लोग कांडा रामला मैदान में इस समापन समारोह में उमड़ कर और जोड़े चाचरी भगनौल के साथ रस्साकस्सी का कार्यक्रम भी इसमें रहा। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।